Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you will be fine. Today we are going to start fun pages. Look at question number 1. Color the different types of leaves. In leaves ko aapne color karna hai. Different types of leaves hain. आप बुक से देखें, पीछे बुक में इनके पिक्चर्स हैं, उनको देखें और इसी तरह इनको कलर करें. क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द पज़ल. ये पज़ल आपको दिया गया है, इसको हमने सॉल्व करना है. यहाँ पर आपको नंबर्स दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 और यहाँ पर आपको थिंग्स दिए गए हैं, इनके नेम्स हमने यहाँ पर राइट करने हैं. इन स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है. जो ग्रीन बॉक्सेस हैं यहाँ पर हम राइटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ वाइट बॉक्सेस में राइटिंग करनी है, ठीक है. अच्छा, नंबर 1 ये क्या है? ये सीड्स हैं. यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे? एस लिखा हुआ है, एस के बाद लिखेंगे डबल ई डी एस सीड्स. यहाँ पर राइट करी डबल ई डी एस सीड्स, ठीक है. इस तरह हमने इनको कंप्लीट करना है. नंबर 2 ये क्या है? ट्री, टी आर डबल ई ट्री, राइट करें यहाँ पर. नंबर 3 आर से है, आर से क्या है? नंबर 3 पिक्चर को देखें, रूट्स. ये क्या है? रूट्स, आर डबल ओ टी एस रूट्स. यहाँ पर राइट करें रूट्स, आर डबल ओ टी एस रूट्स. नंबर 4 पिक्चर को देखें, ये क्या है? ब्रांच, बी आर ए एन सी एच ब्रांच. इसको कंप्लीट करें, बी आर ए एन सी एच ब्रांच. नंबर 5 क्या है? ये फ्लावर. यहाँ पर राइट करें फ्लावर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर. नंबर 6 इज बर्ड, बी यू डी बर्ड, राइट करें यहाँ पर. लुक एट नंबर 7, ये क्या है? लीव, एल ई ए एफ लीव. नंबर 8 फ्रूट, ये क्या है? एप्पल है और एप्पल फ्रूट होता है. यहाँ पर राइट करें एफ आर यू आई टी फ्रूट. नंबर 9 ये क्या है? ट्रंक, टी आर यू एन के ट्रंक, राइट करें यहाँ पर, ठीक है. इस तरह इसको आपने कंप्लीट करना है. एक वर्ड इससे हमें दिया गया था, बाकी हमने इसको इस तरह कंप्लीट कर लिया. सीड्स, नंबर 2 ट्री, नंबर 3 रूट्स, नंबर 4 ब्रांच, नंबर 5 फ्लावर, नंबर 6 बर्ड, नंबर 7 लीफ, नंबर 8 फ्रूट एंड नंबर 9 इज ट्रंक. नाउ लुक एट नेक्स्ट पेज. क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू द करेक्ट बास्केट. यहाँ पर आपको 2 बास्केट दिए गए हैं, एक पर फ्रूट्स लिखा है, दूसरे पर वेजिटेबल्स. जो फ्रूट्स हैं वो हमने फ्रूट्स वाले बास्केट से मैच करना है और जो वेजिटेबल्स हैं उनको हमने वेजिटेबल से मैच करना है. लुक एट हियर, नंबर 1 इज मैंगो. मैंगो फ्रूट है या वेजिटेबल है? मैंगो फ्रूट है, इसको हमने इस बास्केट से मैच करना है, इसको मैच करें. नंबर 2 इज एप्पल. एप्पल भी फ्रूट है, इसको भी इससे मैच करें. नंबर 3 कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर वेजिटेबल हैं, कॉलीफ्लावर को वेजिटेबल वाले बास्केट से मैच करें. नंबर 4 कैरेट. कैरेट भी वेजिटेबल हैं, इसको वेजिटेबल वाले बास्केट से मैच करें. नेक्स्ट हैं पीज. पीज मटर को कहते हैं और वो भी वेजिटेबल हैं, इसको भी इसके साथ मैच करें. नेक्स्ट हैं ग्रेप्स. ग्रेप्स अंगूर फ्रूट हैं, इसको इस वाले बास्केट से मैच करें. नेक्स्ट हैं कुकम्बर. कुकम्बर वेजिटेबल हैं, इसको इसके साथ मैच करें. नेक्स्ट हैं बीन. बीन्स वेजिटेबल हैं, इसको वेजिटेबल्स के साथ मैच करें. नेक्स्ट हैं ब्रिंजल. ब्रिंजल बैंगन को कहते हैं, ये ब्रिंजल वेजिटेबल हैं, इसको भी इस बास्केट के साथ मैच करें. नेक्स्ट बनाना.
बनाना फ्रूट हैं, इसको फ्रूट के साथ मैच करें। पाइनएप्पल, पाइनएप्पल भी फ्रूट हैं, इसको भी मैच करें इसके साथ। नेक्स्ट है पेयर, पेयर भी फ्रूट हैं, इसको भी फ्रूट वाले बास्केट से मैच करें। लास्ट है पोटैटो, पोटैटो वेजिटेबल हैं, इसको वेजिटेबल से मैच करें। ठीक है, इसको हमने इस तरह मैच कर लिया। लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। सर्कल द नेम्स ऑफ प्लांट्स, इनमें से जो प्लांट्स के नेम्स होंगे उनको हमने सर्कल करना है। पुट अ लाइन थ्रू द थिंग्स विच आर नॉट प्लांट्स, और जो प्लांट्स नहीं होंगे उनके ऊपर हम लाइन लगाएंगे। ठीक है, नंबर 1 बलून, बलून प्लांट है? नो, बलून प्लांट नहीं है, तो इसको हम इस पे हम इस तरह लाइन लगाएंगे। ड्रॉ करें इसके ऊपर लाइन। नंबर 2 बनाना, बनाना फ्रूट है और फ्रूट हमें प्लांट से मिलता है, तो इसको हम सर्कल करते हैं। नीम, नीम भी प्लांट है, इसको भी सर्कल करें। नेक्स्ट है बुक, बुक प्लांट नहीं है, तो इसके ऊपर लाइन लगाएंगे। ड्रॉ करें लाइन। नेक्स्ट है कैक्टस, कैक्टस भी प्लांट है, तो इसको भी सर्कल करें। नेक्स्ट है कैट, कैट एनिमल है, तो इस पर लाइन लगाएं क्योंकि ये प्लांट नहीं है। इसके बाद गोट, गोट भी एनिमल है, इस पर भी लाइन लगाएं। नेक्स्ट है मैंगो, और मैंगो प्लांट है, मैंगो को सर्कल करें। मेटल एक एलिमेंट है, इसको हमने लाइन लगाना है, ये प्लांट नहीं है। नेक्स्ट है पाम, पाम ट्रीज, ये भी प्लांट है, इसको भी सर्कल करें। इसके बाद प्लेट, प्लेट थिंग है, इसको भी लाइन लगाएं, ये प्लांट नहीं है। नेक्स्ट है रैबिट्स, खरगोश, रैबिट एनिमल है, इसको हम लाइन लगाएंगे, ये प्लांट नहीं है। नेक्स्ट है पाइन, पाइन भी ट्री है, इसको भी सर्कल करें। रोज़ प्लांट है, इसको भी सर्कल करें। रग थिंग है, इसको लाइन लगाए, ये ट्री नहीं है ना प्लांट है। लुक एट नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 5। कंप्लीट दीज पिक्चर्स बाय एडिंग द मिसिंग पार्ट्स, ड्रॉ एरोज एंड लेबल द पार्ट्स। ये आपने इसको लेबल करना है, इसके पार्ट्स के नेम्स लिखने हैं। लुक एट हेयर, ये इसका बीक है, यहाँ से देखे बीक, यहाँ पर आपने राइट करना है बीक इसके सामने, और ये इसके क्लॉज हैं। क्या है क्लॉज? इसके पंजे हैं। फिर फिश की लेबलिंग, ये आपने डायग्राम में भी देखा था, ये इसकी टेल है, यहाँ पर आप लाइन लगा के राइट कर लोगे टेल। ये फिन है, यहाँ पे राइट कर लोगे फिन। यहाँ पर ये गिल्स हैं, इसको लाइन लगा के राइट कर लेंगे गिल्स। ठीक है, और इसकी ऊपर ये स्केल्स हैं, यहाँ से लाइन लगा के यहाँ राइट करें स्केल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस बर्ड इज़ इनक्रेडिबली कलरफुल, कैन यू नेम इट, कलर द पिक्चर। ये कौन सा बर्ड है? ये पीकॉक है, और ये बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है, ब्यूटीफुल बर्ड है, इसको आपने कलर करना है। आपके बुक में इसका कलर है, उससे देखें और इसको प्यारा प्यारा कलर करें। क्वेश्चन नंबर 7, हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि मैनी एनिमल्स आर इन डेंजर, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स, आस्क योर टीचर टू टेल यू अबाउट सम ऑफ द एनिमल्स विच यूज़ टू लिव ऑन अर्थ लॉन्ग अगो। बहुत से एनिमल्स खतरे में हैं और हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। अपने टीचर से पूछिए एनिमल्स के बारे में कि जो बहुत पहले ज़मीन पर रहते थे लेकिन अब मौजूद नहीं है। मैं अब भी आपको उसके बारे में बता रही हूँ, और ये फिर डिटेल में हम क्लास में डिस्कस करेंगे। डोडो और डायनासोर्स, ये टू एनिमल्स बहुत पहले ज़मीन पर मौजूद थे लेकिन अब एक्सटेंट हो गए हैं, मौजूद नहीं है। डायनासोर्स बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से ख़त्म हो गए हैं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि उनके बोन्स बहुत हैवी थी जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए। और डोडो जो था वो फ्लाइटलेस बर्ड था, वो उड़ नहीं सकता था, इसलिए ह्यूमंस उसका शिकार करते थे, उसका गोश्त खाते थे, जिसकी वजह से वो ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके बारे में फिर डिटेल में डिस्कशन क्लास में कर लेंगे।